अच्छा, और आपके हाथ में बांसुरी है, तो मैं एक धुन कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। जैसे गांव में पहले होता था कि फंक्शन वगैरह होते थे, कुछ भी प्रोग्राम होता था, तो सारी औरतें इकट्ठे होकर वहाँ मतलब थैंक यू सो मच। और एक्चुअल में गुलशन के फूल जैसे ही लग रहे हैं, छोटे छोटे फूल हैं बहुत। Sponsored by Sankalp Classes Near Chowk Mandi, giving number of selections in medical and engineering entrance exams from last 7 years. नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है पोल स्टार हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ रीता ठाकुर, और आज की इस विशेष शो को शुरू करने से पहले आप सभी को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताऊं कि जिला मंडी में आज जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर, और उसकी आपको हम झलकियां दिखाएंगे। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ ऐतिहासिक सेरी मंच पर, और अभी आपको कुछ परेड की झलकियां दिखाएंगे, साथ ही यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनकी भी झलकियां दिखाएंगे। और आज जो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं वो महेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, जो कि हमारे बागवानी और जल शक्ति मंत्री हैं। दिवस की अनंत शुभकामनाएं माननीय जल शक्ति बागवानी राजस्व एवं कल्याण मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी। अपनी स्मृत संस्कृति महान परंपराओं जगड़ी। कैडेट राहुल ठाकुर की अगुवाई में एनसीसी आर्मी विंग राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी की एनसीसी अगुवाई कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, आज हम सभी के लिए गौरव का है। आज हम गर्व से कह सकते हैं हमें सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ा। इसको हिमाचल पार्ट सी स्टेट के तौर पर अस्तित्व में आया था। आज हम अपने 75वें पड़ाव पर हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। आइए एक बार तालियों के साथ माननीय मंत्री दिवस पर देवभूमि के सभी लोगों को। तो दर्शकों, आपको बताऊं कि अभी मेरे साथ बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चे खड़े हैं। आप देखेंगे कि आज हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर इन्होंने ट्रेडिशनल जो हिमाचली एक परिधान होता है वो पहन के आए हैं, और क्या ये आज परफॉर्म करने वाले हैं स्टेज पे, इनसे ही जानेंगे आज क्या परफॉर्म करने वाले हैं आप लोग। हिमाचली नाटी। और कौन कौन से गाने हैं उसमें? सबसे पहले है उसमें गाना हमारा भावारूपी है, फिर देश शोभला है, बहुत से इस तरह के पौराणिक गाने हैं, बहुत सारे। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो मेरे साथ ग्रुप खड़ा है ये जेएनबी पंडो के बच्चे हैं, और जो यहाँ पे अभी परफॉर्म करेंगे और जिसके विजुअल हम आपको दिखाएंगे, और अभी आपका नाम बताएंगे। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। अच्छा, और आपके हाथ में बांसुरी है, तो मैं एक धुन कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। क्या बात है! और कहाँ घर कहाँ है आपके? मैं सिरा साइड से। भाई, टैलेंट की कमी नहीं है हिमाचल में, और आप तो बहुत अच्छी बांसुरी। अच्छा, आप ये बताइए आपने क्या क्या पहना है आपने आज?
हमने हिमाचली ड्रेस पहनी है, पूरी नाटी की जो होती है इसका सबका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है हर चीज़ का। और हमारा मेन मोटिव ये है कि जो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है वो हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि आजकल की लाइफ में सारे भूलते जा रहे हैं अपना ट्रेडिशन, पर हमारा बस यही मकसद है कि सभी अपने कल्चर से रूबरू होते रहे और सभी को अपने दिल में इसे बसा के रखें। अच्छा, क्या एज क्या है आपकी? 16। क्या बात है, मतलब एक 16 साल का बच्चा अगर ये बात करें कि अपने कल्चर को बचा के रखना है तो उससे अच्छी बात हिमाचल दिवस पे और सुनने को मिल ही नहीं सकती है। तो अभी आपकी परफॉर्मेंस की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को। धन्यवाद। अभी मैं एक बड़े सुंदर ग्रुप के साथ खड़ी हूँ और आपको बताऊँ कि जो परिधान मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक परी बड़ी सुंदर ड्रेस पहनी है और ये मंडी की जो एक ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो है, जिसको लूटी और नागरी नृत्य में यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बताऊँ कि मंडी का जो अपना जो ट्रेडिशनल एक फोक डांस होता है वो लुड्डी या नागरी है। तो आज क्या परफॉर्म करेंगे ये, तो आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? नागरी नृत्य। नागरी, आप वैसे कौन से स्कूल से आए हैं, कॉलेज से आए हैं? कॉलेज से, बीजीसी मंडी। अच्छा, ओके, मंडी कॉलेज की हमारे साथ ये छात्रा हैं अभी और आज आप नागरी करने वाली हैं। अच्छा, नागरी के बारे में बताओ कि नागरी नृत्य है क्या? नागरी नृत्य हमारे मंडी का एक फोक डांस है और इसमें मतलब जैसे गांव में पहले होता था कि फंक्शन वगैरह होते थे, कुछ भी प्रोग्राम होता था तो सारी औरतें इकट्ठे होकर वहाँ मतलब काम करती थी, जो भी कुछ करना होता है मतलब मिल के अपना पूरा वो दिखा के कि कैसे कैसे किए जाते हैं। मतलब यानी कि जैसे कभी फसल का टाइम होता था या कोई त्यौहार होता था तो गाँव की जो औरतें थी वो इकट्ठा होकर मतलब एक किस्म का वो त्यौहार की तरह मनाया जाता था, फसल काटना होता था, लगाना होता था, तो उस टाइम ये मनाया जाता था। और कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को आज हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर? बस हिमाचल दिवस की आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं बताऊं कि मेरे साथ गर्ल्स स्कूल की छात्राएं खड़ी हैं और मैं कब से इनको ढूंढ रही थी क्योंकि मैं खुद गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट हूं और मैं भी वहीं पे पढ़ी हूं और मैंने भी इन्हीं की तरह हिमाचल दिवस हो गया, शिवरात्रि हो गया तो परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा, आज क्या परफॉर्म करने वाले हैं आप सभी? ग्रुप सॉन्ग। कौन सा ग्रुप सॉन्ग? फूल है गुलशन के। हम फूल है गुलशन के। अच्छा, दो तीन लाइन गा। हम फूल है गुलशन के, गुलशन महकाएंगे, हम फूल है गुलशन के, गुलशन महकाएंगे, आ आ आ आ आ आ हो 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 हो, आ आ आ आ आ हो 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 हो। थैंक यू
सो मच। और एक्चुअल में गुलशन के फूल जैसे लग रहे हैं, छोटे छोटे फूल हैं, बहुत क्यूट क्यूट से फूल है। थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट। आज की विशेष रिपोर्ट हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर, और आपको हमने दिखाई सांस्कृतिक जो कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं और साथ ही परेड की झलकियाँ दिखाई हैं आपको, ध्वजारोहण की झलकियाँ दिखाई हैं आपको। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आज एक नुक्कड़ नाटक भी किया गया स्टेज पर, मतलब यानी कि बहुत अच्छा मंडियाली भाषा में नाटक किया गया। और कैसी लगी आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। साथ ही मैं आपको बताऊँ कि आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र सिंह ठाकुर जी उपस्थित रहे, और साथ ही साथ उनके साथ रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जोहर ठाकुर जी, नाचे विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार जी, और साथ ही साथ बल विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी जी मौजूद रहे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हिमाचल दिवस की आप सभी को पोल स्टार की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।